चैप्टर 11 पेरिमीटर और एरिया देख रहे हैं, सर्कल्स। तो ये आपके सामने एक रेसिंग ट्रैक है, इसमें ये जो दो एंड है ये आप क्या देख पा रहे हैं, कुछ ये सर्कल जैसा दिख रहा है। अगर हम इसको काटें और यहां काटें और इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या ये सर्कल की तरह बनेगा। तो हम जब यहां पर इस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये तो खैर स्ट्रेट डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर हम कर्व डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और ये एक पार्ट है सर्कल का। तो इस डिस्टेंस को हम जानेंगे, शेप सर्कुलर है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, तान्या ने क्या किया, जो कार्ड्स है उनको कर्व शेप में काटा अलग अलग को और उसके अक्रॉस वो लेस डालना चाहती हैं ताकि वो डेकोरेट कर सके। तो कितना कितना लेंथ उनको लेस चाहिए इसको कवर करने के लिए, यानी कि हम सर्कल का सर्कमफेरेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कल की परिधि, परिधि यानी बाउंड्री। तो हम कैसे मेजर करेंगे, रूलर से तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे इसको। हाँ, एक चीज कर सकते हैं हम, सबसे बढ़िया क्या है कि इस पॉइंट से शुरू करिए, एक पॉइंट मार्क कर दीजिए और उसके बाद इसको यहां घुमा दीजिए, यहां पर, यहां से यहां तक। जैसे ये पॉइंट दोबारा टच करता है, इस तरह रूल करेगा ये, जैसे ये पॉइंट दोबारा टच करता है यहां पे, ये पूरा का पूरा जो लेंथ है, यानी कि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, इसको हम कह सकते हैं कि ये इसका सर्कमफेरेंस है या परिधि है या बाउंड्री है। तो डिस्टेंस एक सर्कुलर रीजन के अराउंड जो होता है उसे हम कहते हैं उसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। ये टेबल देखिएगा आप, इसमें अलग अलग सर्कल बने हैं अलग अलग रेडियाई के और उनका सर्कमफेरेंस निकाला जाता है या निकाला गया है स्ट्रिंग से, इसी तरीके से यहां से यहां तक नापा गया है। रेशियो निकालिएगा जरा किसी भी सर्कमफेरेंस का उसके डायमीटर के, ये एक एक्टिविटी की गई। रेडियस अगर 3.5 है तो डायमीटर इसका कितना होगा, 7.0। अब हमने क्या किया कि कोशिश ये की कि इस 22 से, यानी कि 2r रेडियस इंटू 2 इज डायमीटर, तो डायमीटर 2r हो गया। अब 2r से हमने डिवाइड क्या किया, एक तरीके से 22 को 7 से डिवाइड किया, यानी कि सर्कमफेरेंस को 7 से डिवाइड किया, सर्कमफेरेंस हमारे पास 22 आया और 2r जो हो गया वो 7 हो गया। तो हमने किया क्या कि पूरा सर्कमफेरेंस निकाला, वो सर्कमफेरेंस तो हमने लेंथ से नापा, मतलब खुद नापा एक स्ट्रिंग अक्रॉस करके, या जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से आप नाप सकते हैं, और ये नापा 22 इसका सर्कमफेरेंस आया, डायमीटर 7 है। तो हर बार हमने क्या किया कि जो सर्कमफेरेंस आया उसको डिवाइड किया किससे, उसके डायमीटर से, सब में यही किया, ये सर्कमफेरेंस से डाया है, सर्कमफेरेंस से डाया है, सर्कमफेरेंस से डाया है। तो सबको ऐसे ऐसे करने के बाद आप देखिए कि अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 3.14 ऐसा इसका रेशियो आ रहा है। रेशियो क्या है, सबके लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यही बात बतानी है कि अगर आप इसको निकालेंगे तो कभी भी कोई भी एक सर्कुलर शेप ले और इसका सर्कमफेरेंस का डिवीजन करें डी से, जो कि डायमीटर है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि 22/7 या 3.14 के बराबर है। यानी अगर डी को इधर कर दें तो सी इक्वल टू पाई डी होगा, ये पाई कांस्टेंट है, हम इसको पाई का नाम दे रहे हैं, इस रेशियो जो कांस्टेंट है इसको हम नाम दे रहे हैं पाई का, पी आई, बहुत आगे काम आने वाला है, बहुत बार देखेंगे आप, ये पाई, ये पी आई का नाम हम दे रहे हैं, पाई इसका सिंबल हो गया। अब ये जो पाई है सी बाई डी, यानी कि सर्कमफेरेंस का लेंथ, उसको हम अगर डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो पाई आता है सी, जरा डी को इधर ले जाएंगे तो सी इक्वल टू पाई डी आएगा, डी की जगह 2r रख दीजिए तो यहां पर 2r हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 2πr। यानी कि अगर आपके पास रेडियस पता हो आपको, वो कांस्टेंट आपको खैर मिल ही गया है, तो आप सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो अब आपको अलग अलग तरीके से सर्कल इसकी लेंथ में निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा, आपको रेडियस पता हो तो आप निकाल सकते हैं एक ही बार में 2πr लेके सर्कमफेरेंस। तो कौन सा स्क्वायर है जिसका पैरामीटर ज्यादा है, अगर यहां पर अगर आप देखें ये स्क्वायर, देखिए इसका लेंथ अगर आप नापे यहां से यहां तक, अगर घूम जाए और यहां पर घूमे तो आपको कम लेंथ दिख रहा है, तो ये बड़े वाले का सर्कमफेरेंस ज्यादा है। विच इज लार्जर, पैरामीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखें कि अगर इसको, ये आपको नापना पड़ेगा क्योंकि यहां पर तो हम सीधा ये यहां से यहां तक लेंगे इसका रेडियस, और रेडियस को 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे 2πr है।
अब यहां पर देखेंगे कि अगर हम बड़े वाले सर्कल को लेते या स्मॉलर सर्कल को लेते, स्मॉलर इसको स्क्वायर को लेते, तो जो स्मॉलर स्क्वायर है इसकी लेंथ कितनी हुई, ये यही हुई ना, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ, ये वाला लेंथ हमको ये पता होना चाहिए। तो इसको अगर हम निकाल लें 4 इंटू लेंथ को और इसको 2πr से कंपेयर करते हैं, अगर हमें रेडियस पता हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि 2πr इसका सर्कमफेरेंस होगा, 4 इंटू एल इसका लेंथ, इसका पेरीमीटर होगा, तो उस हिसाब से आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर जो मैंने अभी आप बताया उसी को हम अगर एग्जाम्पल के तहत करें तो आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज दी हुई है। आपको सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं पाई इंटू डी सीधा ये आपको सर्कमफेरेंस देता है, तो पाई क्या है 3.14 लीजिए, डी आप यहाँ पर 10 दे लीजिए, तो आपका 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस निकालना है, एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस उसका दिया हुआ है, आपको पाई 22/7 देना है, तो आर जो है 14 सेंटीमीटर है, आपको 2πr में रख दीजिए, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 लेंगे और रेडियस की जगह 14 लेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 ये आपका आ जाएगा 88, सर्कमफेरेंस हो गया 88। रेडियस सर्कुलर पाइप का दिया हुआ है 10। व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड द पाइप, तो ऐसा है तो इसके अराउंड रैप अराउंड करना है, तो ये रेडियस हो गया, आपके पास पाई दिया हुआ है 2πr निकाल लीजिए, 2 इंटू 3.14 इंटू 10 कितना आएगा 62.8, इतना लेंथ चाहिए टेप का ताकि आप उसको रैप कर सके। पैरामीटर निकालना है इस शेप का, इसको पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका, तो इस शेप में हमको सर्कमफेरेंस निकालना है सेमी सर्कल का, आधे आधे सर्कल का निकालना है जो इस स्क्वायर के साइड में दिया हुआ है। तो जो ये जो पैरामीटर है इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये इसका डायमीटर है, तो हम जानते हैं पाई इंटू डी सीधा हम इसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं इस पूरे सर्कल का, अगर ये पूरा का पूरा होता तो, और क्योंकि ये आधा सर्कल है, ये आधा है, तो कितना निकालेंगे पाई डी बाई टू, यानी पाई इंटू डी, डी है आपका आपका 2r, पाई इंटू 2r यानी कि पाई इंटू डी बाई टू, और r निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डायमीटर ही यूज करना है, पाई इंटू डी बाई टू यानी कि पाई की जगह 22/7 लिखिए, डी की जगह आपको ये 14 पूरा लेना है क्योंकि ये इसका डायमीटर बन रहा है, पाई हाफ इंटू पाई डी करिए, ये 22 आया। अब ऐसे कितने सेमी सर्कल हैं, 1, 2, 3, 4, एक का हमने ये पूरा का पूरी परिधि निकाल ली, 4 से गुणा कर दीजिए 88 आ जाएगा। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट, यहां दो इक्वल पार्ट चलेगा, एक ये एक ये, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। तो इसमें आसान है, आप क्या करेंगे, कैसे आप निकालेंगे कि अब जैसे इसको आधा किया तो ये हाफ का आपको यहां से आता निकालना है, आधा पैरामीटर मतलब तो सर्कल का आधा हो जाएगा, और फिर ये लेंथ जोड़ देना है तभी तो पैरामीटर आएगा, पैरामीटर का मतलब होता है पूरी बाउंड्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सर्कमफेरेंस निकालना है सेमी सर्कल का, और उसके बाद डायमीटर निकालना, इस डायमीटर को जोड़ेंगे, तो आप देखिए 2πr पूरे सर्कल का होता है, 2πr बाय 2 करेंगे तो हाफ सर्कल का होगा, तो पाई आर बेसिकली 2πr बाय 2 क्या होता है पाई आर, तो पाई आर में 22/7 को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेडियस को, तो 22 आ जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी है रेडियस यहां पर दिया हुआ है 7, तो 7 + 7 यानी कि डायमीटर आपका 14 हो गया, 14 को ऐड कर दीजिए 22 से, ये पूरा 14 ये वाला हो गया और ये आपका 22 हो गया, कुल मिला के 14 को 22 से ऐड करिए 36 आ जाएगा आपका। सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या होता है सर्कल का एरिया, एक फार्मर है, ये एक फ्लावर बेड बनाना चाहते हैं, रेडियस उसका 7 मीटर जो उनकी फील्ड के सेंटर में है। अब वो फर्टिलाइजर खरीदना चाहते हैं, अगर 1 kg फर्टिलाइजर 1 square meter एरिया को कवर करता है तो कितना फर्टिलाइजर उनको चाहिए, एक और अगर सवाल ले तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप, एक सर्कुलर टेबल टॉप है इसको पॉलिश करना है उसका, जिसका रेडियस 2 मीटर है, रेट इसका यह है कि हर स्क्वायर मीटर के लिए 10 रुपये लगेंगे आपको। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको इस पूरे में फैलाना है फर्टिलाइजर, इस पूरे को पॉलिश करना है, तो यहाँ पेरीमीटर से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको एरिया निकालना पड़ेगा एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का क्या तरीका होता है, उसके लिए कुछ एक्टिविटी करें और उस एक्टिविटी से हमें पता लगेगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल को इस तरीके से जरा काटिए और इसको 8 भाग में काट दीजिए, चलिए है ना, ऐसे आधा किया ना, ऐसे कर करके 8 में 8 काट दीजिए बराबर पार्ट। अब एक पोर्शन को लीजिए ऐसे रखिए, दूसरे को यू जोड़िए
तो तीसरे को ऐसे इस तरीके से बना दीजिए। अब देखिए ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कुछ कुछ दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ शेप दिख रहा है इस तरीके का, है ना। तो एक रफली ये पैरेललोग्राम बना रहा है ना, तो अभी अप्रोप्रिएटली तो पैरेललोग्राम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर रह जाए, लेकिन पैरेललोग्राम जैसे दिख तो रहा है आपको, यानी कि अगर इस एक देखिए कि अगर इसको 64 पे काट ले, 64 के आप मैं कहूं कि आप 6400 में काट लीजिए, तो एक पॉइंट आएगा जब ये इनफाइनिटिसिमल स्मॉल हो जाएंगे तो ये पूरी तरीके से आपका एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का रूप ले लेगा, राइट। पूरा ये क्योंकि अब यहां बहुत छोटे छोटे पार्ट कर दिए हमने, जब वो सर्कुलर पोर्शन थे तब तो सर्कुलर था, जब बहुत छोटे हो जाएंगे तो केल इतना कटेगा, इतना इस तरीके से आएगा, ऐसे आप जोड़ेंगे करके तो बहुत छोटे छोटे करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसका इसका अंदाजा अगर हम लगाएं तो यहां पर हमने क्या किया है, ये जो काटे 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 पोर्शन है यही तो यहां पर दिख रहे हैं, ये भी काटे 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 पोर्शन दिख रहे हैं, तो कुल मिला के ये कितना है, ये कितना है, ये आपका सर्कल, ये आधा यहां लगाया है, आधा यहां लगाया, आधा इस तरीके से तो लगाया है, आधे हमने यहां पर लगाए हैं, आधे का जो सर्कमफेरेंस है वो यहां आ रहा है, तो ये आधा सर्कमफेरेंस हो गया, हाफ सी कर देता हूं, ये हाफ सी हो गया, यानी कि इसकी लेंथ क्या हो गई, कितनी लेंथ हो गई, हाफ सर्कमफेरेंस, तो हाफ इंटू टू पाई आर, ये इसकी लेंथ हो गई। विड्थ कितनी हो गई, विड्थ तो क्या रेडियस ही है, हर बार रेडियस है, हर बार रेडियस है, तो इंटू आर कर दीजिए, जरा इसको काटिए कितना है, पाई इंटू आर पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। ये छोटी सी एक्टिविटी से हमने देखा कि सर्कल का एरिया हमारा पाई इंटू स्क्वायर आर का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको एरिया निकालना है सर्कल का, रेडियस उसका 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर इंटू आर, यानी कि 3.14 इंटू 30 इंटू 30 कर दीजिए आपका 2826। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में आता है ये। ऐसी डायमीटर आपके सर्कुलर गार्डन का दिया हुआ है 9.8 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है इसका मतलब रेडियस कैसे निकलेगा, 9.8 बाय 2 निकालिए 4.9 आएगा। एरिया निकालना है तो पाई इंटू आर इंटू आर, आर अभी अभी आपने निकाला 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9, यानी कि आपका 75.46 आ जाएगा। ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें दो सर्कल है, सेंटर दोनों का सेम है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जो रेडियस है बड़े सर्कल का उसको वो है यहां से यहां तक 10, जो छोटा है वो यहां से यहां तक, और रेडियस जो छोटे का है वो आपका है 4, रेडियस छोटे वाले का 4 है, बड़े वाले का आपका 10 है। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल पाई इंटू 10 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई इंटू आर है 10 इंटू 10, ये हो गया। छोटे वाले का क्या होगा, पाई इंटू 4 इंटू 4, राइट। तो ये तो आप पाई इंटू 10 इंटू 10 3.14 इंटू 10 इंटू 10 314 आ जाएगा। इसी तरीके से पाई इंटू आर स्क्वायर पाई इंटू आर कैसे निकलेगा, 4 इंटू 4 यानी कि 50.24। अब अगर आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, ये तीसरा जो है इसमें वो शेडेड पोर्शन, तो कैसे करेंगे, अगर बड़े एरिया बड़े का एरिया निकलेगा तो पूरा पूरा हो रहा, छोटे का एरिया लिखेंगे तो ये होगा, अगर बड़े वाले से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तभी तो ये वाला एरिया आएगा, तो 3314 से माइनस कर दीजिए 50.24, आपका 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी हम किलोमीटर और मीटर को बराबर नहीं मानते, दोनों ही लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते। अगर मैं आपको रुपये दूं और आप मुझे डॉलर दें, यहां पर मान लीजिए कोई एक्सचेंजिंग नहीं हो रही है, अगर मैं आपसे डॉलर क्यों लूंगा, मैं येन क्यों लूंगा, मैं आपको रुपये दे रहा हूं तो आपसे कहूंगा कि इसका चेंज मुझे रुपया दे, या अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे चेंज दीजिए तो आप मुझे टॉफियां पकड़ा रहे हैं या फिर आलू पकड़ा रहे हैं, टमाटर पकड़ा रहे हैं, तो ये ट्रेडिंग मुझे मंजूर नहीं है। मैं बोलूंगा मैं आपको रुपये दूंगा तो रुपये दूंगा, अगर मैं आपको सोने की अशरफियां दे रहा हूं तो आप मुझे सोने की अशरफियां देंगे, बस यही बात है। जब एक सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, हम ही जानते हैं, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, जब हम एरिया या पेरीमीटर की बात करते हैं तो क्या होगा, जब एक सेंटीमीटर है तो 10 mm के बराबर, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, एक सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर की जगह जरा 10 मिलीमीटर रख दीजिए, 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर कितना हो गया, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, तो एक सेंटीमीटर कितना हुआ, 100 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम इसी तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो अगर आप इस स्क्वायर का साइड देखें, एक सेंटीमीटर, इसको हम डिवाइड करना है 10
मतलब 100 स्क्वायर में हर एक का साइज जो होगा वह 1 मिलीमीटर में होगा। तो जो एरिया है स्क्वायर का जिसका एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर है तो वो किसके बराबर होगा, इस पूरे का एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर साइड है इसका, ये किसके बराबर होगा क्योंकि हमने किसको कितने भाग में डिवाइड कर दिया इसको 100 भाग में, तो इसका होगा 100 × 1 मिलीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो 100 हुए हैं ये एक का जो वो है डायमेंशन है वो मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 मीटर × 1 मीटर, और 1 मीटर हम क्या जानते हैं 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, हम इसकी जगह 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 10^3 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसी किलोमीटर स्क्वायर को जरा मीटर स्क्वायर में चेंज करिए तो एक किलोमीटर होता है 1000 मीटर, है ना, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा, 1 किलोमीटर × 1 किलोमीटर, यानी इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर × 1000 मीटर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 10^6 मीटर, 10^6 मीटर स्क्वायर, ये कन्वर्जन होगा इसमें। कैसे आप कर सकते हैं, मेट्रिक सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो जो एरिया है लैंड का उसको हम हेक्टेयर में भी मेजर करते हैं, उसको HA लिखते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदेंगे तो आप तहसील में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जो आपको फर्द निकाल के दी जाएगी उसमें, या आप कहते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसमें जो पूरी लेंथ होगी पूरी जगह की वो हेक्टेयर में दी होगी, हेक्टेयर एक बड़ी यूनिट है, तो जो स्क्वायर है जिसका साइड 100 मीटर है उसका मतलब होता है 1 हेक्टेयर, यानी कि अगर मैं एक ऐसे स्क्वायर बनाऊं इसका साइड है मेरा 100 मीटर × 100 मीटर, ये मेरा 1 हेक्टेयर हुआ। हेक्टेयर का मतलब क्या हुआ, 100 × 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर × 100 मीटर, 100 मीटर × 100 मीटर, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। 1 हेक्टेयर किसके बराबर हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। इसी तरीके से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, अब देखिए एक हजार यहां पर लिख दीजिए और अलग से आप यहां पर क्योंकि जानते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर इसको अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 होता है ना, इसका कन्वर्जन जो होता है 10 होता है, तो 10 × 10 हो गया 100, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 10^5 अगर 1, 2, 3, 4, 5 10^5 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जो यूनिट एरिया है लार्जर यूनिट में, तो जो नंबर होगा लार्जर यूनिट में वो स्मॉलर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जैसे आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब इसको जरा इसको अब बड़े बड़े वैल्यू में रिप्रेजेंट करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 1/ अगर मैं इसको कहूँ मेरा 1 सेंटीमीटर मतलब या 100 सेंटीमीटर मेरा होता है 1 मीटर के बराबर, राइट, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1/100 सेंटीमीटर, 100 मीटर के बराबर। तो मैं सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर रखता हूँ तो मेरा ये होगा 1000 × 1/100 × 1/100, ये तो होगा मेरे सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह cm × cm लिखा और 1 सेंटीमीटर की जगह मीटर डाल दिया, और मीटर जो होता है वो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेंटीमीटर की जगह मीटर के मीटर में रिप्रेजेंट करना, तो 1/100 × 1/100, इसका मतलब ये तीन कट 0.1 आ जाएगा, ओके। तो इनमें से कुछ लेते हैं, जैसे आप ये लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 10 इसको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, 10 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर × 10 मीटर बस, या इसको कहिए 10 × 1 मीटर × 1 मीटर। अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, आप जानते हैं 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो इस मीटर 1 मीटर की जगह आप 100 सेंटीमीटर लिख दीजिए सीधा बस, ये कैसा होगा 10, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर सेंटीमीटर अलग कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे कितने, 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 ये पहुंच जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। हेक्टेयर क्या होता है आप देखिए 2 हेक्टेयर ये वाला भी ले लेते हैं, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, ये तो देखा आपने, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, तो 2 हेक्टेयर कितना होगा, 2 × 10,000 यानी कि 2 × 0 = 0000 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बाकी आप करेंगे। अब एप्लीकेशन देखते हैं, आपने ये देखा होगा कि गार्डन है, पार्क्स है, या कोई छोटा कोई जगह है, क्रॉस कोई पाथ बनाना है, या फ्रेम पिक्चर है कुछ उसमें जगह बची है, तो जो भी आपको जगह इस तरीके से बचती है या जगह आती है
तो उसको कॉस्ट लगता है, पैसा, मतलब पैसा लगेगा कि भैया ये पाथ बनाना है आपको। तो वो पाथ कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पार्क है जिसकी 45 मीटर लेंथ है और 30 मीटर वाइड है ये, यानी कुल मिला के ये 45 मीटर है और 30 मीटर है, तो ये 45 हो गया और ये 30 हो गया, वैसे यहाँ दिया हुआ है। अब इसका जो पाथ है 2.5 मीटर, ये रखना है अपना, ये एक पाथ की तरह पाथे बनाना है यहाँ। इस पाथ को आपको कैलकुलेट करना है इसका एरिया क्या है। तो उसका तरीका कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, यानी 45 × 30, 90 × 90 करके पूरे का निकालेंगे। पहले तो ये हो गया, उसके बाद हम अंदर वाले का निकालेंगे, ये जो अंदर खाली रीजन दिख रहा है। अगर हम बड़े वाले को इस अंदर वाले रीजन से माइनस कर दें, मतलब छोटे वाले को इससे निकाल दें, तो आपके पास ये पाथी की जगह बचेगी। तो बस मेन चीज ये आती है हमारी कि हम इसका लेंथ ब्रेथ कैसे निकालें, जो अंदर वाला है एबीसीडी दिख रहा है, इसका लेंथ ब्रेथ निकालते हैं। देखिए ये 2.5 विड्थ था इसकी, 2.5 यहां, 2.5 यहां, 45 पूरा का पूरा है यहां से यहां तक। तो एक 2.5, एक 2.5, यानी 2 × 2.5, ये आपको 45 में से माइनस करना है, ये अंदर वाले की लेंथ होगी। ऐसी 30 के लिए लीजिए, 2.5 यहां, 2.5 यहां, यानी 30 में आपको ये 2.5 2.5, यानी कि 30 में दो बार 2.5 माइनस करना है, ये आपकी ब्रेथ हो गई, राइट, ये ब्रेथ हो गई आपकी। लेकिन अब दूसरा सवाल यहां उठता है कि 45 अगर अंदर दिया हो, देखिए अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये 45 हो गया, ये अगर 30 हो गया ये वाला साइड, अब यहां पर क्या है, ये 45 साइड दिया हुआ है अंदर वाला, और ये जो है वो 30 दिया हुआ है। अब मैं दूसरी तरीके से आपको बताता हूं, अब क्या करना है, ये माइनस कर नहीं करेंगे, ये मैं आपको अलग अलग सिनेरियो दिखा रहा हूं। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 45 है, तो ये 2.5 2.5 यानी कि 2 × 2.5 इसमें जोड़ देंगे, तो 45 में 2.5 2.5 जोड़ दिया तो 50 आ गया इसकी पूरी लेंथ, राइट। इसी तरीके से हमारे पास ये 30 था, तो 30 में ये 2.5, ये 2.5 कितना हुआ, 30 प्लस 2.5 2.5 35 हो गया, यानी कि कुल मिला के ये लेंथ हो गई आपकी 50 पूरी बड़ी वाली, और ये छोटी, ये ब्रेथ हो गई आपकी 35। तो 50 × 35 करिए और इसको माइनस कर दीजिए कितने अंदर वाले से, 45 × 30, ये आपका एरिया आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। दोनों ही सिनेरियो समझ गया, जो पाथ है वो 5 मीटर आपका वाइड है और लंग्स रन्स अलोंग इनसाइड स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर, तो ये 100 मीटर है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, आपको पाथ निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट एट द रेट ऑफ दिस पर 10 मीटर स्क्वायर। तो आप पहले तो इसका एरिया निकालते हैं, जैसे एबीसीडी आपका पार्क है और उसका साइड अब 100 है। अब जो मैंने आपको दूसरा सिनेरियो बताया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही करना है पहला सिनेरियो, सॉरी, तो इसमें 100 ये है साइड, राइट। अब इसका हमने कहा ये 5 5 इसकी विड्थ है, 5 5, तो 100 तो इसका हो गया साइड और स्क्वायर पाथ है तो 100, तो सब बाहर का एरिया क्या होगा, 100 × 100, यानी 100 × 100 बाहर वाले का एरिया इतना आ जाएगा। अंदर वाले का निकालना है तो ये 10 है, ये 10 है, यानी 100 में से आपको ये 10 माइनस करना पड़ेगा, ये 10 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ गया 80, ये साइड कितना आ गया 80। ऐसी यहां पर आइए, ये इसमें भी ये भी 80 आएगा, ये 10 और ये 10 जाएगा तो ये 80, तो 80 × 80 कितना हो गया, ये 5 है, आई एम सॉरी, ये 90 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 है, 5 है, 5 और 5 10 हुआ ना, 10 को 100 से माइनस करेंगे ये 90 होगा। मैं चेंज कर रहा हूं अपना स्टेटमेंट, यहां पर 5 है, यहाँ 5 है, तो कुल मिला के कंप्लीट 10 माइनस होगा, तो ये भी साइड 90, ये साइड 90, 90 × 90 कितना हो गया 8100 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको इससे माइनस करेंगे, यानी कि हमको ये घटाना है इससे, ये हम घटा देंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा कितना, जो शेडेड है। अब 10 10 मीटर स्क्वायर के लिए 250 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 250 बाय 10, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47,500। दो आपके क्रॉस रोड्स हैं, उसमें जो विड्थ है वो 5 मीटर है, इसकी विड्थ 5 मीटर है, इसकी विड्थ 5 मीटर है, और ये राइट एंगल पे जा रहे हैं जो सेंटर में है पार्क की। लेंथ इसका दिया हुआ है आपका 70 और ये जो है विड्थ आपकी दी हुई है 45 और वो पैरेलल है साइड्स के। आपको एरिया निकालना है रोड का और कॉस्ट निकालना है कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको समझिए कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला ये है कि अगर हम इस पी क्यू,
पी क्यू और एस आर साइड को देखें और पी एस और क्यू आर साइड को देखें तो पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। लेकिन अब देखें, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो पोर्शन है ये दो बार जुड़ जाएगा। अगर मैं केवल इसको लेता हूं तो ये पूरा पोर्शन होगा, इसको लेता हूं तो भी पूरा पोर्शन होगा, तो ये दो बार जुड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये फाइव लेंथ है, ये फाइव है इसकी विड्थ सॉरी, तो ये 45 इंटू 5, ये तो इसका हो गया। इसी तरीके इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 इंटू 5, 70 इसकी लेंथ हो गई, 5 इसकी विड्थ हो गई, तो ये दोनों तो एरिया आ गया। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये वाला एरिया दो बार जुड़ जाएगा, तो एक बार इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि ये 5 साइड है और ये 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस करना पड़ेगा। हमने किया क्या, 45 इंटू 5 किया, प्लस किया 70 इंटू 5, इसको जोड़ा इससे और माइनस कर दिया 5 इंटू 5, यानी कि ये पोर्शन एक बार और जुड़ गया था इसलिए इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 550, बस यही एरिया ऐसा। और इसको पर मीटर स्क्वायर 105 है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 105, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना, 1.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। तो हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, जो पैरामीटर है वो डिस्टेंस है किसी क्लोज फिगर का, जबकि एरिया है जितना वो ऑक्यूपाई करता है क्लोज फिगर। ऐसी हमने देखा पैरामीटर जो स्क्वायर का है वो 4 इंटू साइड होता है, पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से हमने देखा डिस्टेंस कि जो हम ट्रैवल करते हैं सर्कुलरी, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस होता है पाई इंटू डी, डी यहाँ पर डायमीटर है, पाई 22/7 है और पाई को 3.14 लेते हैं। एरिया जो सर्कल का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसी कन्वर्जन देखा हमने, जब लेंथ को चेंज करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 100 मिलीमीटर को स्क्वायर के बराबर, 1 मीटर स्क्वायर ऐसी 10^4 cm², 1 हेक्टेयर होता है 10^4 m². तो ये बात रही इस चैप्टर की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।